अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हम कर रहे एक्सरसाइज 10.5 मैथमेटिकल मेथड बाय एसएम यूसुफ की। इस एक्सरसाइज के हमने 9 क्वेश्चन का लिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 10 से कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है d2y/(-2tan x dy/dx+3y) (=2 sec x)। इस क्वेश्चन में भी हमें कंडीशन गिवन है, गिवन दैट y = sin x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन। अब इसमें भी हमें कोई भी फार्मूला लगाकर y1 की वैल्यू निकालनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने पहले ही दिया हुआ है y = sin x। ये बेसिकली हमारे पास y1 ही है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे गिवन दैट y1 = sin x इज अ सॉल्यूशन ऑफ नंबर 1, दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो इसके बाद हम क्या किया करते हैं, पुट y = v y1। अब v y1 की वैल्यू आपके पास क्या है, साइन एक्स है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, y = v sin x आ गया। अब जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव भी मौजूद है और सेकंड डेरिवेटिव भी मौजूद है। यहाँ से हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ जाएगा आपके पास dy/dx (=) प्रोडक्ट टू लगेगा, वी का डेरिवेटिव आपके पास dv/dx आ जाएगा साइन एक्स एज इट इज़ प्लस वी एज इट इज साइन का क्या आ जाएगा आपके पास कोर एक्स आ जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास d2y/dx2। इस पर अलग प्रोडक्ट टू लगेगा और इस पर क्या लगेगा, अलग प्रोडक्ट टू लगेगा। dv/dx का सेकंड डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा d2v/dx2 साइन एक्स एज इट इज प्लस फार्मूले का dv/dx एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया, कोज एक्स आ गया प्लस। अब इस पर लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, v का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, dv/dx आ जाएगा कोज एक्स एज इट इज प्लस फार्मूले का v एज इट इज और कोज का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, माइनस साइन, ये आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस माइनस साइन एक्स आ गया। अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आ जाएगा आपके पास साइन एक्स d2v/dx2 प्लस dv/dx प्लस dv/dx साथ में कोज एक्स भी बन जाएगा आपके पास 2 cos x dv/dx माइनस वी साइन एक्स आ गया। अब हमारे पास y की वैल्यू मौजूद है, dy/dx की वैल्यू मौजूद है और d2y/dx की वैल्यू मौजूद है। हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, अब इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास d2y/dx2 -2tan x dy/dx+3y। d2y/dx2 की वैल्यू हमारे पास आई है साइन एक्स d2v/dx2 और प्लस 2 cos x dv/dx और साथ में आपके पास क्या है, माइनस वी साइन एक्स माइनस 2। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, टेन एक्स है, टेन एक्स को हम लिख सकते हैं ना साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोज एक्स इंटू dy/dx की वैल्यू हमारे पास आई है साइन एक्स dv/dx प्लस वी कोज एक्स और प्लस 3 y की वैल्यू आपके पास है v साइन एक्स है विच इज इक्वल टू आपके पास है 2 sec x। हमने वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स d2v/dx2 प्लस 2 cos x dv/dx माइनस वी साइन एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे या देगा आपके पास माइनस 2 × साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया आपके पास साइन स्केयर एक्स आ गया और साथ में आपके पास क्या आ गया, कोज एक्स आ गया dv/dx आ गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास आ जाएगा -2v sin x आ गया और ये +3v sin x एज इट इज विच इज इक्वल टू 2 sec x आ गया। वैल्यू हमारे पास थी, वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, पुट करने के बाद उसको किया हमने सिंप्लीफाई, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, dv/dx है और यहाँ पर भी आपके पास क्या dv/dx है, तो 2v है तो 2v कॉमन ले लेते हैं और dv/dx भी कॉमन ले लेते हैं, साइन एक्स d2v/dx2 एज इट इज प्लस 2 कॉमन ले लिया और यहाँ पर रह गया आपके पास कोज एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स डिवाइडेड बाई कोज एक्स
इंटू डी वी ओवर डी एक्स हमने क्या ले लिया, कामन ले लिया। अब यहाँ से देखिए हमारे पास माइनस का वन माइनस का टू माइनस का थ्री वी साइन एक्स आ जाएगा, ये प्लस का थ्री वी साइन एक्स आप उसमें कैंसिल आउट, तो विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया टू सीकेंड एक्स आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यदि आपके पास साइन एक्स डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू कोस एक्स, यहाँ से आपके पास क्या आ गया एलसीएम आ गया, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स और माइनस क्या आ गया आपके पास साइन स्क्वायर एक्स आ गया इंटू आपके पास क्या आ गया डी वी ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू आपके पास आ गया टू सेकेंड एक्स आ गया। अब यहाँ पर आपके पास क्या है साइन एक्स है, साइन एक्स से डिवाइड कर देते हैं, ये बन जाएगा आपके पास डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कोस टू एक्स का फार्मूला होता है, तो डिवाइड किया ये आ गया आपके पास साइन एक्स कोस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दिए बन जाएगा आपके पास टू सीकेंड एक्स डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आना है साइन एक्स आना है, वन ओवर साइन क्या होता है आपके पास कोसेकेंड एक्स होता है, यह आ जाएगा आपके पास कोसेकेंड एक्स। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है साइन एक्स और कोस एक्स है, हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो फार्मूला था हमारे पास साइन टू अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू टू साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। अब यहाँ पर आपके पास साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा है, अल्फ़ा की जगह एक्स आ गया हमारे पास, टू नहीं है तो हम क्या करते हैं टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं अप एंड डाउन, तो ये बन गया आपके पास डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर और प्लस फोर इंटू कोस टू एक्स डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ गया साइन टू एक्स आ गया इंटू डी वी ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू टू सीकेंड एक्स और साथ में आपके पास क्या आ गया कोसेकेंड एक्स आ गया। अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं रिडक्शन ऑफ ऑर्डर यूज़ करते हैं, तो लेट कर लेते हैं लेट यू इज इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स और यहाँ से आपके पास आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू आ जाएगा डी टू वी ओवर डी एक्स के आ जाएगा और इस इक्वेशन को नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर टू का। अब यहाँ पर पुट कर दें ये बन गया आपके पास डी यू ओवर डी एक्स और प्लस फोर इंटू ये आ जाएगा आपके पास कोस टू एक्स डिवाइडेड बाय आपके पास है जी साइन टू एक्स इंटू आपके पास आ गया यू, क्योंकि डी वी ओवर डी एक्स किसके इक्वल हमने लिया है यू के इक्वल, तो विच इज इक्वल टू आपके पास आ गया है टू सीकेंड एक्स और साथ में आपके पास आ गया है कुछ सीकेंड एक्स। इस इक्वेशन को नाम दो अब इक्वेशन नंबर थ्री का। अब ये आपके पास क्या बन गया आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ से हम पी एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम सब करते हैं सिंप्लीफाई। अब अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है पी ओ एक्स है हेयर पी ओ एक्स विच इज इक्वल टू है आपके पास फोर इंटू कोस टू एक्स डिवाइडेड बाई आपके पास क्या है साइन टू एक्स है। जब हमारे पास पी ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाए तो उसके बाद हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड आउट किया करते हैं, तो हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर होता है ई की पावर इंटीग्रल इंटू पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रल। अब आपके पास पी ऑफ एक्स है फोर कोस टू एक्स डिवाइडेड बाई साइन टू एक्स इंटू आपके पास क्या है डी एक्स है, तो यहाँ से अगर देखें हमारे पास है इंटीग्रेशन फैक्टर विच इज़ इक्वल टू फोर को हम लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाई बाय टू, तो टू एक बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रल टू कोस टू एक्स डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है साइन टू एक्स इंटू डी एक्स। हमने फोर को लिख लिया टू मल्टीप्लाई बाय टू, एक टू को हम क्या किया हमने बाहर निकाल लिया है एक टू कोस के साथ लिख दिया है। अब साइन का डेरिवेटिव लें तो आपके पास क्या होता है कोस, यहाँ पर एंगल कितना है टू एक्स ये बन जाएगा आपके पास टू एक्स, टू एक्स का डेरिवेटिव लें तो आपके पास क्या आ जाएगा टू आ जाएगा। अब फंक्शन का डेरिवेटिव पर मौजूद है तो ये आ जाएगा आपके पास ई की पावर टू नेचुरल लॉग आ जाएगा साइन टू एक्स आ जाएगा, क्योंकि होल की पावर कितनी आपके पास वन है, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो होल की पावर वन हो तो हम लिखते हैं नेचुरल लॉग डिनोमिनेटर वाला फंक्शन। अब इस टू को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं ई नेचुरल लॉग साइन स्क्वायर टू एक्स, अब ये आपस में कैंसिल आउट तो हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर आ जाएगा साइन स्क्वायर टू एक्स आ गया। अब इक्वेशन नंबर थ्री को क्या करो इंटीग्रेशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन नंबर थ्री मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर टू एक्स वी गेट, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे अधिक आपके पास साइन स्क्वायर टू एक्स डी यू ओवर डी एक्स और प्लस आ गया आपके पास फोर इंटू कोस टू एक्स डिवाइडेड बाई आपके पास है साइन टू एक्स, इसको मल्टीप्लाई करना हमने साइन स्क्वायर टू एक्स के साथ और यू एज इट इज विच इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है टू सीकेंड एक्स और कोसेकेंड एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं टू डिवाइडेड बाय कोसेकेंड को लिख सकते हैं हम वन ओवर साइन एक्स
और सीक्वेंट को लिख सकते हैं हम 1/cos x, इसको मल्टीप्लाई करना हमने साइन स्क्वायर 2x के साथ। अब यहाँ पर देखिए साइन एक्स और कोज एक्स है, तो अप एंड डाउन हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर 2x और du/dx प्लस 4 sin 2x और cos 2x साथ में u विच इज़ इक्वल टू, ऊपर बन गया आपके पास 4 sin² 2x, नीचे आपके पास आ गया है sin 2x का फार्मूला। 1 sin 2x 1 sin 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं d/dx, u यहाँ से लेंगे और इंटीग्रेशन फैक्टर यहाँ से लेंगे, आ जाएगा आपके पास sin² 2x विच इज़ इक्वल टू आपके पास आ गया है 4 sin 2x आ गया है। अब हम इसकी कर देते हैं इंटीग्रेशन, नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल d/u sin² 2x विच इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4 कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लेते हैं sin 2x और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का रेसिप्रोकल को ये कैंसिल आउट, बाकी आपके पास आ गया u sin² 2x विच इज़ इक्वल टू 4। अब साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास माइनस कोस, ये आ जाएगा आपके पास माइनस कोस 2x। अब यहाँ पर 2x है, 2x का डेरिवेटिव है तो आपके पास 2 आएगा, डेरिवेटिव में आ गया और इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में लिखा जाता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 आ गया, 2 1s are 2 2s are आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। तो बाकी यहाँ से आपके पास आ गया u sin² 2x विच इज़ इक्वल टू -2 cos 2x और प्लस का क्या आ गया आपके पास c1 आ गया। अब हम साइंस के 2x के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास u इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा आपके पास -2 cos 2x डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा साइंस के 2x आ जाएगा और प्लस आ जाएगा आपके पास c1 डिवाइडेड बाय साइंस के 2x आ जाएगा। तो अब u किसके इक्वल था, एज u इज इक्वल टू आपके पास dv/dx के इक्वल था, तो पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा dv/dx विच इज़ इक्वल टू -2 cos 2x डिवाइडेड बाय साइंस के 2x है, इसको हम लिख सकते हैं ना sin 2x / sin 2x और प्लस ये आ जाएगा आपके पास c1 cosec² 2x आ जाएगा, क्योंकि 1/sin क्या होता है हमारे पास cosec होता है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा dv/dx विच इज़ इक्वल टू -2 1/sin क्या होता है आपके पास cosec 2x आ जाएगा। याद रखना यहाँ पर एंगल आपके पास 2x है और cos/sin क्या होता है आपके पास cot 2x आ जाएगा और प्लस c1 cosec² आपके पास 2x आ जाएगा। अब हमें v की वैल्यू चाहिए, अगेन हम क्या कर देते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं, नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा इंटीग्रल dv विच इज़ इक्वल टू -2 कांस्टेंट अब बाहर निकाल लेते हैं, बाकी आपके पास आ जाएगा cosec 2x और cot 2x/dx प्लस c1 कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, बाकी आपके पास आ जाएगा cosec² 2x/dx आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इसकी इंटीग्रेशन v विच इज़ इक्वल टू -2 cosec 2x और cot 2x, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी आपके पास -cosec 2x आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास क्या 2x, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आएगा, डेरिवेटिव में आगे लिखा जाता है और इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर में लिखेंगे प्लस c1। अब आपके पास है cosec² 2x, इसकी इंटीग्रेशन होती है आपके पास -cot 2x आ जाएगा। अब जब 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आएगा, तो इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया आपके पास, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, बाकी आपके पास आ गया v विच इज इक्वल टू -- प्लस हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम 1/sin 2x आ जाएगा और प्लस माइनस ये बन जाएगा आपके पास c1/2 इसको हम लिख सकते हैं cos 2x/sin 2x और प्लस आपके पास क्या आ गया c2 आ गया, ये हमारे पास क्या आ गई v की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास क्या था एज y इज इक्वल टू v sin x था, तो अब v की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ से आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू v की वैल्यू आई है हमारे पास ये, तो ये आ जाएगा आपके पास sin x / इस सारे फंक्शन को लिखेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 1/, मैं साथ ही साथ इसको ओपन कर दूंगा, sin 2x है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 sin x और cos x -c1/2 आपके पास 2 आ गया, इंटू आपके पास आ गया जी cos 2x
डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकते हैं हम टू साइन एक्स और कोर एक्स और प्लस कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पर साइन टू एक्स था तो इसका फार्मूला ओपन कर दिया, टू साइन एक्स कोज एक्स आ गया, साइन टू एक्स इसका फार्मूला ओपन कर दिया हमने टू साइन एक्स और कोज एक्स, तो साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं वाई इज इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रह जाएगा आपके पास वन बाय टू और साथ में कोज एक्स आ जाएगा, वन ओवर कोज क्या होता है आपके पास सीकेंड एक्स होता है। तो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं माइनस सी वन टू टू दर कितना आ गया आपके पास फोर हो गया। अब यहाँ से हम देखें हमारे पास साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या रह गया कोज एक्स रह गया। अब कोज टू एक्स का हमने एक और फार्मूला पढ़ा हुआ है टू कोज के एक्स और माइनस वन डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा जब साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा कोज एक्स आ जाएगा और प्लस साइन एक्स को सी टू से मल्टीप्लाई किया जाएगा आपके पास सी टू साइन एक्स आ जाएगा। तो मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आ जाएगा आपके पास वाई इज इक्वल टू वन बाय टू सीकेंड एक्स आ गया और माइनस सी वन ओवर फोर ही आपके पास कांस्टेंट आया तो इसको नाम देते हैं हम सी वन डैश का नाम दे देते हैं, यहाँ पर लिख भी लेते हैं लेट जो आपके पास सी वन डैश है ये किसकी इक्वल है सी वन ओवर फोर की इक्वल है चूँकि कांस्टेंट है तो इसको हमने नाम दे दिया। अब यहाँ पर आपके पास है टू कोस केयर एक्स माइनस वन, कोस को कोस पर डिवाइड किया तो आपके पास एक कोस रह गया टू कोस एक्स रह गया माइनस वन को कोस पर डिवाइड किया तो वन ओवर कोस का होता है आपके पास सीकेंड एक्स होता है और प्लस आपके पास आ गया सी टू साइन एक्स आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन।